नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और अगर आप ब्रांच में जाते हैं एनईएफटी आरटीजीएस करने, तो उसका फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, कुछ चीज़ों का होना आपके पास जरूरी है। फॉर्म भरने के पहले अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और नाम, जिस भी व्यक्ति को आपको एनईएफटी आरटीजीएस करना है वो, एक चेक और किस अमाउंट का और कितना कमीशन लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। कमीशन आपको ब्रांच में जाके पता चल जाएगा। आइए हम वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको आरटीजीएस एनईएफटी का फॉर्म भरना है बैंक ऑफ बड़ौदा का। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म है, जिसमें एक साइड में इंग्लिश में लिखा रहता है, एक साइड में हिंदी में लिखा रहता है। तो हम इसको भरना सीखेंगे, तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये बड़ा वाला जो फॉर्म पार्ट है इसको भरिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, आज की डेट आप लिख देंगे। फिर टाइम ऑफ रिसिप्ट, मतलब किस टाइम पे आप बैंक में सबमिट कर रहे हैं, जैसे आप 2 बजे कर रहे हैं तो 2 बजे का लिख दिया आप। फिर आपको यहाँ पर ब्रांच लिखनी है, जिस भी ब्रांच में आप सबमिट कर रहे हैं। अब चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप 49,999 तक का डीडी आरटीजीएस एनईएफटी कैश में भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चेक से करवाऊँगा आरटीजीएस 1.5 लाख का। तो सबसे पहले तो ये वाली जो स्पेस है इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके अकाउंट की डिटेल, मेरा अकाउंट सुमेरपुर ब्रांच में है तो मैं सुमेरपुर लिख दूंगा यहाँ पर। अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपना। चौदह डिजिट का जो अकाउंट नंबर होता है। फिर यहाँ पर मैं महेश मेरा नाम लिख दूंगा। अब यहाँ पर जिसको भी मुझे ये पैसा ट्रांसफ़र करना है मुझे उसका नाम लिखना है। मैं आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिख दूंगा। ब्रांच दिल्ली की ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, आईएफएससी कोड आईसीआईसीआई का मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर बेनिफिशरी का मैं अकाउंट नंबर लिख दूंगा। फिर यहाँ पर जो बेनिफिशरी का करंट अकाउंट है तो मैं करंट अकाउंट पे टिक कर दूंगा। बेनिफिशरी का नाम मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। मैसेज, अगर मुझे कुछ स्पेशल बेनिफिट है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिल पेमेंट इनवॉइस नंबर 04238, यानी कि इस इनवॉइस नंबर का पेमेंट मैंने किया है। अब आपने ये डिटेलें भर ली, यहाँ पर आप यहाँ पर बेनिफिशरी का अकाउंट नंबर भी दोबारा लिख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। ये ऊपर की डिटेल भर ली, अब आप नीचे आइएगा। नीचे जैसे कि मैं इसको चेक से कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर चेक की डिटेल देनी पड़ेगी। ये मेरा सबसे पहले तो मुझे मेरे अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जिस भी अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ब्रांच, मेरी सुमेरपुर मेरी ब्रांच है तो मैं सुमेरपुर लिख दूंगा। चेक नंबर जो मैंने दिया है 6 डिजिट का, वो मुझे यहाँ एंटर करना है। फिर यहाँ पर मुझे मेरे सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर मुझे टेलीफोन नंबर लिख लेना है। और यहाँ पर मुझे मेरा पैन नंबर लिख लेना है। ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब आते हैं, इसके बाद आप राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में आपको डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले ब्रांच सुमेरपुर, फिर यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। बेस ब्रांच सुमेरपुर जो मेरी होम ब्रांच है, यहाँ मुझे अकाउंट नंबर लिख लेना है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिख देना है मुझे। अब
RTGS NEFT मैं ICICI बैंक के फेवर में कर रहा हूँ, ब्रांच दिल्ली की है। बेनिफिशियरी का यहाँ मैं अकाउंट नंबर भी लिख दूंगा। बेनिफिशियरी करेंट अकाउंट टाइप है, नाम मुकेश। अब यहाँ पर मुझे डालना है कितने अमाउंट का, मैं यहाँ पर 2.5 लाख का करना चाहता हूँ। चूँकि मेरा करेंट अकाउंट हायर वेरिएंट में आता है इसलिए मेरा वहाँ पर कमीशन नहीं लगता है, तो इसलिए टोटल मुझे 2.5 लाख का ही चेक देना है। अगर आपका अकाउंट नॉर्मल वेरिएंट में आता है तो आपका जो भी कमीशन बनता है वो अमाउंट लिख के फिर आपको चेक डालना है। ये इस तरीके से अभी आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है, फॉर्म आपने पूरा फिलअप कर लिया है, अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं काउंटर पे ताकि आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।